मुर्दाबाद पब्लिक हेल्थ, 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 मुर्दाबाद देख रहे हैं हाँसी की आवाज। शहर के अंदर जल संकट गहराया हुआ है। चार वाटर टैंक हैं और चारों ही वाटर टैंक में मात्र 3 दिन का पानी बचा है। और पेटवाड़ माइनर 15 तारीख को आनी थी जो नहीं आई। अब संभावना है कि कल आ जाए, लेकिन कल नहीं आई तो अल्टरनेट डेज पर पानी छोड़ा जा रहा है। उसके बाद क्या हालत होगी शहर की ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक हालत हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं, फोकस कीजिए कि ये हाथ में भाई साहब जो पानी की बोतल लिए हुए हैं ये बिल्कुल गदला पानी है और सीवर का पानी है, बदबूदार पानी है, ये पेयजल सप्लाई से निकला हुआ पानी है। तो इसको सूंघने मात्र से ही आदमी को बदबू आती है, तो पिएगा तो कितना बुरा हाल होगा। तो हम जानते हैं, हम खड़े हैं यहाँ बिल्कुल हुड्डा से जो ये सरोग आश्रम के होती हुई रोड जाती है आगे, तो उसके बीच में खड़े हैं, भगत सिंह स्कूल के पास खड़े हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी बहुत आजीज हैं इस गंदे पानी से। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जी, ये बोतल लिए हुए हैं, ये जल सप्लाई की है? हाँ जी, जल सप्लाई की है जी। कितने दिन से ऐसा पानी आ रहा है? ये 2 महीने से आ रहा है जी पानी। तो आपने इसके बारे में किसी को कहा पब्लिक हेल्थ? हाँ, कई बार कहा जी। अच्छा, क्या कहते हैं? गौर नहीं हुई जी, ये बीच बीच में वैसे खोद रखे खड्डे, बाकी ये पानी रुका नहीं है जी, गंदा ही पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा है जी। कैसे करते हो फिर अपना? ये जैसे सप्लाई आती है उसको आधा पौना घंटे चलने के बाद में पानी भरते हैं जी। अच्छा। हाँ, ये कभी कभी बीच में चला देते तो सारा पानी बदबूदार हो जाता है। टैंक में कैसे जाता है ये पानी? गंदा ही जाता है? गंदा ही जाता है जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन कुमार है जी। अच्छा, तो आप भी इस बदबूदार पानी से परेशान है? बहुत परेशान है जी, कभी कभी तो पूरा सप्लाई गंदी चलती है, चलाने के 2-2 घंटे बाद भी पानी साफ नहीं आ रहा। मुकेश कुमार नाम है जी मेरा, मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। और ये दिक्कत आज की नहीं है, ये दिक्कत मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ सर। जो बारिश का मौसम आता है ना, हर बार गंदा पानी आता है, लेकिन इस बार तो ये सूखे में भी बुरा हाल है। पिछले 2 महीने से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है जी। जो जो गर्मियाँ आ रही हैं, जल संकट तो गहरा ही रहा है। आप देख रहे हैं कि वाटर टैंक खाली हो गए हैं और पीछे से पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, कल की संभावना है। लेकिन पब्लिक हेल्थ की ये कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। ये गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर जिसे कह दें, कि इसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। यहाँ के क्षेत्रवासियों के चेहरे देखिएगा कि अधिकतर पेट की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, डायरिया से भी ग्रस्त हो गए हैं। और इनका कहना है कि बार बार पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी ये कंटेमिनेटेड वाटर जो वाटर सप्लाई में आता है बराबर आ रहा है। हम तो इन अधिकारियों से और पब्लिक हेल्थ विभाग से यही गुजारिश करेंगे, इस कदर पानी देने से तो बजाय बंद ही कर दें तो बेहतर है, कि इतना गंदा पानी है ये लोग वाक पीकर कितने आजीज होंगे। क्यों जी? हाँ, ये सेहत के लिए भी खराब है सर। कितने और परेशान है? बहुत बीमार हो गए जी। हाँ। रोज का काम है यहाँ, पेट वाले बहुत आते हैं, पेट के पेशेंट। अच्छा। और मेरे पास नहीं, मैं तो हॉस्पिटल के पास भेज देता हूँ, मैं तो देता भी नहीं किसी को। डायरिया की बहुत है जी, ये गंदे डायरिया है, पेट दर्द है, बहुत है जी पूरे क्षेत्र में। ये पूरे क्षेत्र में जी, देखिए पूरे क्षेत्र का यही हाल बता रहे हैं। हम तो गुजारिश करेंगे पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से, इनकी सुध ले और जहाँ से कहीं लीकेज है उसको दूर करे, और ये गंदा पानी तो कम से कम ना सप्लाई करे, ताकि लोग बाग की सेहत ना खराब हो। देखते रहिए हंसी की आवाज़। मैं, मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ।